दोस्तों हम आ चुके हैं पटना और पटना के डेवलपमेंट को आपको दिखाते हैं। दोस्तों पटना के डेवलपमेंट में मेट्रो का कार्य भी तेजी से चल रहा है, जो कि आने वाले दिनों में आपको देखने के लिए मिलेगा। यानी इस साल उम्मीद है आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी और अगले साल तक इसके उद्घाटन होने की काफी उम्मीद है। और ये हम आ चुके हैं सगना मोड़ के नजदीक, और सगना मोड़ के ये रास्ते हैं जहाँ मेट्रो के कार चल रहे हैं और काफी तेजी से कार चल रहे हैं। आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन के कार्य काफी तेजी से किए जा रहे हैं और पटना के डेवलपमेंट में ये बहुत बड़ा रोल अदा करेगा आने वाले समय में। अभी जिस तरीके से ट्रैफिक की जितनी रुकावटें आ रही हैं, काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स लोग झेल रहे हैं, उस ट्रैफिक जाम की स्थिति को दूर करने के लिए पटना मेट्रो की ये प्लानिंग काफी खूबसूरत प्लानिंग है, काफी बेहतर प्लानिंग जो पूरे शहर में आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेंगे। अभी फर्स्ट फेज के काम यहाँ पे चल रहे हैं, फर्स्ट फेज की शुरुआत बहुत जल्द हो जाएगी, जो कि इधर सगना मोड़ तक और गांधी मैदान से लेकर जंक्शन से लेकर आपको बैरिया बस स्टैंड तक जाने वाली है। काफ़ी खूबसूरत ये आपको प्रोजेक्ट है, यानी कि मेट्रो की प्रोजेक्ट है, काफ़ी खूबसूरत प्रोजेक्ट है। ये देख सकते हैं ये चौक हो गया सगना मोड़, और ये रोड देख सकते हैं नए रोड जो रोड बन रहे हैं, सारे नए रोड चौड़े चौड़े रोड हैं, काफ़ी खूबसूरत रोड हैं, काफ़ी व्यवस्थित तरीके से ये रोड बनाए गए हैं। काफ़ी चौड़ी चौड़ी रोड है, दोनों तरफ मार्केट्स हैं, दोनों तरफ देख सकते हैं इधर भी मार्केट है उधर भी मार्केट है, दोनों तरफ आपको सिर्फ मार्केट ही देखेंगे। सगना मोड़ से जब तानापुर की ओर जाते हैं तो मार्केट का एरिया पूरा मार्केट ही का एरिया दिखेगा। तो जो चौड़ी रोड है, चौड़ीकरण जो आप देखे होंगे, ये रोड काफ़ी खूबसूरत रोड है, पटना का भी काफ़ी खूबसूरत रोड है और नंबर वन रोड कह सकते हैं ये। इतनी चौड़ी रोड पटना में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो इधर के जो डेवलपमेंट हैं सभी महज 5 से 7 सालों के डेवलपमेंट हैं, क्योंकि इधर के डेवलपमेंट आपको काफ़ी खूबसूरत दिखेंगे। और यहां से फिर दानापुर चले आते हैं, दानापुर तक आप देखेंगे और दानापुर से बिहटा तक तो काफ़ी खूबसूरत नज़ारे हैं। फुल्ली एलिवेटेड रोड बन रही है जो आने वाले समय में आपको देखने को मिलेंगे। इसके काम भी काफ़ी तेज़ी से चल रहे हैं, काफ़ी खूबसूरत तरीके से चल रहे हैं, आप देख सकते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं शिवाला महज 4 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, काफ़ी खूबसूरत जगह है शिवाला चौक। आए वाले दिनों में आपको शिवाला चौक के पास सगना मोड़ जैसी स्थिति होने वाली है। तो अभी इधर इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी अच्छी जगह है, स्टार्टिंग है, काफ़ी लोग इन्वेस्ट भी कर रहे हैं इधर। आप शिवाला चौक के आसपास इन्वेस्ट कर सकते हैं, बीटा तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, घर बनाने के लिए भी ज़मीनें यहाँ पर ले रहे हैं और लोग काफ़ी संख्या में इधर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट के द्वारा बताइए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को जरूर दबा लें ताकि हमारे वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।